नमस्कार छात्राओं, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। छात्राओं, कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में आज मैं आपको सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से भ्रमर गीत शीर्षक से कुछ पद पढ़ाऊंगी। तो पद इस प्रकार से है, कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरध अवधि बदि हमसो हरि आहार चली जात। सस्य रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु कीन्यो घात। मग पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करि सोई बनत अब खात। सूरदास बस भय विरह के कर मीजे पछि तात। इस पद में जो है गोपियाँ उद्धव से अपनी व्यथा का वर्णन करती हैं। वह उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्यों कहते हो? वे एक पक्ष यानी 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे, लेकिन अब तो पूरा महीना बीत गया है। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रातें युग के समान बीत रही हैं। अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रातें युगों के समान लंबी लगती हैं। अब तो इन्हें व्यतीत करना कठिन हो रहा है। ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में ऐसा लगता है जैसे विष खाकर मरने के अतिरिक्त हमारे पास कोई शेष उपाय नहीं रह गया है। सूरदास जी अंत में कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह के वश में हों, हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। धन्यवाद।